हेलो एंड वेलकम, मैं कौशल किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं ए टू जेड कोचिंग के इस क्लास में। तो जैसा कि दोस्तों, मित्रों, साथियों, मेरी माता एवं बहनों, मेरे जितने भी दोस्तों साथियों हैं, मैं सभी को पहले तहे दिल से नमस्कार कहना चाहता हूं। और चूंकि ठंडा का समय है इसीलिए थोड़ा सा गेटअप मैंने चेंज किया है, तो घबराइएगा नहीं। और आज हमारे इस कोचिंग ऑफलाइन क्लास में सेकेंड टेस्ट लिया गया था, जिसको लेकर मैं आपके लिए एक हिंदी शिक्षण का एक वीडियो लाया हूं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग जरा मतलब देखते हुए चलेंगे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम लोग सीधे डिस्कशन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, देख रहे हैं आप लोग, एकदम नजर आ रहा होगा बहुत अच्छे से, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का अनुमान किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का अनुमान किस प्रकार कर सकते हैं? अनुमान करने का ही मतलब होता है, मित्रों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनुमान करने का ही मतलब होता है आकलन करना। आकलन, इसको आकलन करना भी कह सकते हैं या इसको पता लगाना भी कह सकते हैं, पता लगाना। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, भाषा की क्षमता का आकलन करने का, या किसी भी क्षमता का, या चाहे आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, किसी भी विषय को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जिसमें बच्चा सबसे अच्छे तरीके से समझेगा, उसके आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका पोर्टफोलियो होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के द्वारा ही हम भाषाई क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं और आकलन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137 है, चूंकि यह टेस्ट का है इसीलिए क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। देखिएगा कि कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ना है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है पढ़ने को। अब देखिए, कहा गया कि महत्वपूर्ण कौशल पढ़ना, वैसे ये क्वेश्चन के अनुसार माना जाता है पढ़ना, ध्यान दीजिएगा मित्रों, पढ़ना। वैसे भाषा का, ध्यान दीजिएगा, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल बोलना होता है। चूंकि यहां पर बात की गई है पढ़ने की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है कौशल बोलना, लेकिन यहां पढ़ने की बात की गई है। चार ऑप्शन है। वह पढ़ने को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि यह वर्ण के पहचाने से संबंधित है, यह शब्दों के उच्चारण से संबंधित है, यह लिखित शब्दावली से संबंधित है, या अर्थ एवं अनुमान से संबंधित है। आंसर लगाइएगा। ऑफलाइन टेस्ट वालों ने इनका आंसर लगा दिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी अर्थ एवं अनुमान। क्योंकि पढ़ना तभी सार्थक होगा मित्रों, दोस्तों, तभी सार्थक होगा जब आप पढ़े गए चीज का अर्थ समझ रहे हैं। जैसे वर्ड है ना त्योहार, अब ये त्योहार पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं, तो पढ़ना सार्थक हुआ? निरर्थक हो गया पढ़ना? सार्थक होना चाहिए। अर्थ एवं अनुमान, कुछ चीजों का हमको क्या करना पड़ता है? अनुमान भी लगाना पड़ता है। कुछ चीजों को हम लोग अनुमान लगा के भी सीखते हैं, इसीलिए मित्रों, दोस्तों, साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चों को किसी त्योहार के विषय में जानकारी प्रदान के लिए, अध्यापक प्रदान करने के लिए, बच्चों को किसी त्योहार के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए अध्यापक क्या करेंगे? कोई त्योहार का जानकारी देना है, वो त्योहार की जानकारी के लिए चार ऑप्शन है हमारे पास, उन चारों ऑप्शनों को देखते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए, चार ऑप्शन है हमारे पास। त्योहार के विषय में बच्चों को गृह कार्य के रूप में लिख कर लाने के लिए देना, मतलब कोई फेस्टिवल के बारे में बताना है, आप क्या कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं कि तुमको गृह कार्य देते हैं, तुम उस फेस्टिवल के बारे में लेख लिख के लाओ या कुछ भी लिख के लाओ, ये देना सही है। अगला देखते हैं, श्याम पट पर, ये जो है इसको श्याम पट, ब्लैक बोर्ड कहते हैं, श्याम पट पर उस त्योहार के विषय में बच्चों द्वारा उपलब्ध जानकारी को लिखवाएंगे। श्याम पट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर क्या करेंगे? जो उस त्योहार के बारे में बच्चों के पास जानकारी है वो लिखवाएंगे। बच्चों द्वारा अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे, यानी उस त्योहार के बारे में बच्चा जो जानता है उससे कहेंगे तुम सुनाओ, बताओ क्या जानते हो तुम। और सभी बच्चों को भाषा अर्जन करते हुए लिखने के लिए कहेंगे। चार ऑप्शन में से क्या होगा जल्दी बताइएगा। चलिए तो मित्रों, साथियों, दोस्तों, सबसे पहले राइट आंसर ले लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि अपना अनुभव कहना सबसे बेहतर होता है। बच्चा किसी त्योहार के बारे में क्या जानता है, होली है, दीपावली है, या हमारे बिहार की शान छठ पर्व है, किसी भी प्रकार का पर्व है, उस पर्व त्योहार के बारे में बच्चा क्या जानता है, रमजान है, क्रिसमस है, इन सभी पर्व के बारे में बच्चा क्या जानता है, इसके बारे में हम बच्चों से राय लेंगे। और बच्चों से राय लेना अपने मन की बात कहने के बराबर है, क्योंकि जब हम बच्चों से राय लेते हैं तो वो अपने मन की बात कहते हैं। इसीलिए राइट आंसर मित्रों सी हो जाएगा। श्याम पट पर त्योहार के विषय में जानकारी लिखवाएंगे, बच्चा क्या जानकारी प्राप्त किया, ये भी सही है, लेकिन लिखवाना से ज्यादा बेहतर बोलवाना, क्योंकि लिखने में हो सकता है उसे कुछ शब्द न पता हो, कुछ गलत लिख दे, है ना, इसीलिए ये सही है। गृह कार्य तो कभी नहीं देना, गृह कार्य देने से बच्चा दूसरे से पूछ के लिख लेगा, अपना अनुभव नहीं बता पाएगा। अब भाषा अर्जन का तो यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 139। अब देखिएगा 139 आपको क्या कह रहा है, इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से किस चीज को बढ़ावा मिलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सब में बढ़ावा मिलता लिखा हुआ। चलिए पहला ऑप्शन, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक से किस चीज को बढ़ावा मिलता है, ये देखिएगा। भाषा एवं सामाजिक विचारों को बढ़ावा मिलता है, भाषा की लिपि को बढ़ावा मिलता है, साहित्यिक विषयों के विचारों को बढ़ावा मिलता है, भाषा की समृद्धि में अधिक से अधिक योगदान लिपि का होता है। अब कह रहा है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से किस चीज को बढ़ावा मिलता है, अब जरा बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले राइट आंसर ले लेते हैं इसका। तो मित्रों दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि भाषा एवं सामाजिक विचारों को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि देखिएगा भाषा की पाठ्य पुस्तक से हमें हमारे विचार को बढ़ावा मिलता है। कैसे मिलता है, हम जो अपने विचार जानते हैं, हम जो भाषा के माध्यम से जो कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, हम कुछ भी सीखते हैं तो वह भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। तो भाषा के माध्यम से हमने जो ज्ञान अर्जन किया, उस ज्ञान अर्जित ज्ञान को, उस अर्जित ज्ञान को हम समाज में एक दूसरे के पास बांटते हैं, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा एवं सामाजिक विचारों को बढ़ावा मिलता है। भाषा की लिपि को बढ़ावा क्यों नहीं मिलता है, ये क्यों नहीं होता है भाषा की पाठ्य पुस्तक से? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर पाठ्य पुस्तक तो लिपि में ही लिखी जाती है, संकेत में, तो लिपि को बढ़ावा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक, कोई भी भाषा का संबंध किससे होता है, तो भाषा का संबंध मित्रों विचार से होता है। सीधा अर्थ ये समझ लीजिए, लिपि को बढ़ावा क्या मिलेगा, लिपि तो पहले से लिखी हुई है भाषा की, इसमें बढ़ावा देने वाली क्या बात है। साहित्यिक विषयों के विचार को बढ़ावा मिलता है, साहित्यिक विषय के विचार को बढ़ावा क्यों नहीं मिलता है? अब देखिएगा साहित्यिक विषयों के विचार को बढ़ावा तब मिलता है जब हिंदी भाषा के साहित्य अंतर्गत हम बच्चे को कहानी, ध्यान दीजिएगा, कहानी, कविता इत्यादि का ज्ञान देंगे ना, तब साहित्यिक विषयों के विचार को बढ़ावा मिलेगा। अब भाषा की समृद्धि में अधिक से अधिक योगदान लिपि का होता है, ये तो गलत है। भाषा की समृद्धि में अधिक से अधिक योगदान लिपि का नहीं होता है, भाषा की समृद्धि में अधिक से अधिक योगदान होता है व्याकरण का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाषा की समृद्धि में अधिक से अधिक योगदान व्याकरण का होता है, क्योंकि समृद्ध भाषा व्याकरण सम्मत भाषा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बातचीत एक मुख्य उपकरण है, क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चों को वार्ता करना अच्छा लगता है, दूसरा ऑप्शन बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, तीसरा ऑप्शन बच्चों को पाठ्य पुस्तक में यह धारणा पहले से ही प्रस्तावित है, और चौथा ऑप्शन यह सीखने और सीखी हुई वार्ता को सुचारू बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। चार ऑप्शन है, चलिए जल्दी लगाइए। चलिए तो इसका राइट आंसर कर लेंगे हम लोग। तो इसका राइट आंसर मित्रों दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि बातचीत करना, भाषा में बातचीत करना, भाषा की क्लास में जब हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से टॉक करते हैं, तो एक दूसरे से टॉकिंग करने में किस चीज को बढ़ावा मिलता है? जो बच्चे ने सीखा है, पढ़ के तो कुछ सीखा होगा, कुछ सीखा है, सीखने और सीखी हुई वार्ता को सुचारू बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। मतलब क्लास में बच्चा कुछ भी सीखा है, उस सीखी गई बात को एक दूसरे के साथ बातचीत में जानेगा, आगे बढ़ाएगा, कुछ दूसरे से सीखेगा, कुछ अपनी सीखी हुई चीज दूसरे को बताएगा। तो बातचीत करना ज्ञान को क्या करता है, बढ़ाता है, सुचारू बनाता है। सुचारू मतलब आगे लेकर जाना, सुचारू मतलब होता है आगे लेकर जाना।
आगे लेकर जाना, ठीक है ना। बच्चे को वार्ता करना अच्छा लगता है, वार्ता का मतलब पहले जान लीजिए, वार्ता का मतलब होता है बातचीत। बच्चे को वार्ता करना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होगा बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, ये तो सही है खेलना अच्छा लगता है। बच्चे को पाठ्य पुस्तक में धारणा पहले से प्रस्तावित है, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और खेल के बारे में तो यहाँ पूछ नहीं, इसलिए भी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि बातचीत करने से हम सीखी गई बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए भाषा की पढ़ाई, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िएगा। भाषा की पढ़ाई सभी बच्चों को अंतिम रूप से सुदृढ़ बनाती है, सभी बच्चों को कई भाषा का अर्जन करने में सक्षम है, सभी बच्चे कई भाषा का अर्जन करने में सक्षम है, समुचित पाठ्यक्रम में व्याख्या बेहद जटिल और शास्त्रीय है। भाषा की पढ़ाई, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। वीडियो रोक कर भी बता सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। समुचित पाठ्यक्रम में व्याप्त है, भाषा की पढ़ाई जो होती है यह सभी पाठ्यक्रम में व्याप्त है। कहने का क्या मतलब है कि चाहे हम कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, हर विषय भाषा में ही होती है। मित्रों आपको पता होगा, आप गणित पढ़ते हैं तो उसमें भी सवाल किस में लिखा रहता है, भाषा में रहता है, कोई ना कोई भाषा में रहेगा। आप विज्ञान पढ़ते तो सवाल किस में रहता है, भाषा में रहता है। आप चाहे कोई भी विषय पढ़ रहे हो, सवाल किस में रहेगा, सवाल भाषा में ही तो रहेगा। आप विज्ञान पढ़ रहे हैं किस में, भाषा में लिखा रहता है। इतिहास पढ़ते किस में, भाषा में। इसका मतलब पाठ्यक्रम जहां कहीं भी होगी, पाठ्यचर्या जहां कहीं भी होगी, उस सब में भाषा व्याप्त है। सभी बच्चे अंतरिम रूप से सुदृढ़ बनाती है भाषा की पढ़ाई, ये भी सही है, बनाती है। सभी बच्चे कई भाषा का अर्जन करते हैं, ये गलत है। बच्चे कई भाषा का अर्जन नहीं कर सकते हैं मित्रों, अर्जन सिर्फ और सिर्फ किसका किया जाता है, तो अर्जन सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा किया जाता है, कई भाषाओं का कभी अर्जन नहीं होता है। बेहद जटिल और शास्त्रीय प्रक्रिया, हाँ भाषा बेहद जटिल प्रक्रिया जरूर है, ये बात सच है कि बेहद जटिल प्रक्रिया, लेकिन शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय मतलब क्लासिक, कि पुराने जमाने में दादा परदादा सीखते हैं इसलिए हम भाषा सीखेंगे, नहीं, शास्त्रीय नहीं है। समुचित पाठ्यक्रम में व्याप्त है, जितना पाठ्यक्रम है ना पढ़ने के लिए हमको, उस सब में मिला हुआ है भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की विशेषता नहीं है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसको कहते हैं, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को कहते हैं प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड। प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड मतलब प्रोजेक्टर इत्यादि के माध्यम से, या कोई चीज फिल्म स्लाइडर फिल्म इत्यादि बनाकर लगाकर दिखाना, यही होती है, विशेषता नहीं है। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली में छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। प्रोजेक्टर में क्या होता है ना, इसमें दोनों क्रियाशील रहते हैं, खैर आंसर बाद में देखेंगे हम लोग। इस प्रणाली में छात्रों को व्यक्तिगत क्रियाओं एवं प्रयासों को अधिक महत्व दिया जाता है। आगे देखेंगे, यह पद्धति छात्रों की स्वाध्याय का अधिक अवसर देती है, जिससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। यह विधि बुद्धिमान छात्रों के अनुकूल नहीं है। विशेषता नहीं पूछ रहा, कौन सा, जल्दी लगाइए। मुझे पता है दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा, एकदम आसान है, एकदम उड़ा दीजिए, आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, आग जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह बुद्धिमान छात्र। कह रहा है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, यानी बच्चे को हम पर्यवेक्षित तरीके से, मतलब प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड के माध्यम से यदि बताएंगे तो यह बुद्धिमान छात्रों के लिए अच्छा नहीं। इंटेलिजेंट छात्र प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड से नहीं सीखता, ऐसा है क्या, तो सबके लिए बढ़िया है ना। प्रोजेक्टर फिल्म इत्यादि के माध्यम से पढ़ाएंगे तो यह निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली, स्वाध्याय मतलब जो सीखी गई चीज है, जो बच्चा सीख चुका है उसका फिर से अध्ययन करना, स्वाध्याय प्रणाली। छात्र और शिक्षक दोनों को क्रियाशील रखती है, मतलब शिक्षक भी कुछ कुछ चीजें स्लाइड करके बताएंगे और छात्र भी सीखेगा, है ना। इस प्रणाली में छात्रों को व्यक्तिगत क्रियाओं एवं प्रयासों को अधिक महत्व दिया जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें छात्र कितना सीख रहा है इस पे ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। इस पद्धति में छात्रों को स्वाध्याय का बहुत अधिक अवसर दिया जाता है, जिससे स्वाध्याय प्रवृत्ति विकसित होती है, ये भी सही है। इसका गलत आंसर हमको पूछ रहा है कौन सा, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं, समय हमारे पास कुछ कम है। अध्ययन यंत्र वस्तुतः, अध्ययन यंत्र वस्तुतः कैसी होती है देखिएगा। पहला है विद्युत या यांत्रिक युक्ति, पुस्तक सामग्री, पुस्तक और विद्युत युक्त, पुस्तक एवं विद्युत युक्ति दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अध्ययन यंत्र अध्यापन यंत्र, अध्यापन यंत्र पूछ रहा था, जल्दी राइट आंसर लगाइएगा, एकदम ठोक दीजिए, आग लगा दीजिए, जल्दी से लगा दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत एवं यांत्रिक युक्ति, क्योंकि यहाँ भी बात यंत्र की है तो वह यंत्र कैसी होगी, वह विद्युत युक्ति होगी, इलेक्ट्रिक से चलने वाली,
क्योंकि यंत्र इलेक्ट्रिक से चलती है। अब पुस्तक को यंत्र नहीं कहा जाता है मित्रों, पुस्तक यंत्र नहीं है, सहायक सामग्री है। यहाँ पर अध्यापन यंत्र पूछ रहा है किन किन यंत्रों के माध्यम से बनाते हैं, तो वह विद्युत और यांत्रिक युक्ति होती है, जैसे कि टीवी है, रेडियो है, मोबाइल फोन है, ये सब अध्ययन करने का ज्ञान प्राप्त। जैसे आप अभी मोबाइल से देख रहे हैं ना, तो ये सब क्या है, अध्ययन यंत्र है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से। त्रिक भाषा सूत्र में हिंदी को स्थान दिया गया है, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में, राजनीतिक भाषा के रूप में, अनैतिक भाषा के रूप में, जल्दी बताइए। त्रिक भाषा सूत्र में हिंदी को कैसा स्थान दिया गया, एकदम ईजी है, एकदम ठोक दीजिए जल्दी से, एकदम आग लगा दीजिए इस क्वेश्चन में, लगा लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रभाषा के रूप में। त्रिक भाषा सूत्र, ध्यान दीजिएगा, त्रिक भाषा सूत्र का विकास जो है ये किया गया था कोठारी कमीशन के अनुशंसा पर। कोठारी कमीशन के अनुशंसा पर जो कोठारी कमीशन गठित होता है, सॉरी अपना रिपोर्ट सौंपता है 1968 में, इसने कहा कि त्रिक भाषा विद्यालय स्तर पर तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, है ना, पढ़ाई जाएगी विद्यालय स्तर पर, तीन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह त्रिक भाषा सूत्र में कहा गया, तीन भाषा विद्यालय स्तर पर पढ़ाने की बात कही गई है। हिंदी भाषी राज्य, गैर हिंदी भाषी राज्य का क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, शब्द में समझ सकते हैं। त्रिक भाषा सूत्र में कहा गया कि हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी, मतलब वैसे राज्य जहाँ हिंदी बोले जाते हैं और वैसे राज्य जहाँ हिंदी नहीं बोले जाते हैं, इन दोनों राज्यों में पहली भाषा मातृभाषा और दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्य में कोई भी विदेशी भाषा और गैर हिंदी भाषी राज्य में हिंदी, जबकि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में कौन सी भाषा, वैसी भाषा जिसको कि हम पहली और दूसरी भाषा के रूप में नहीं पढ़ाएं, यही है त्रिक भाषा सूत्र। तो हिंदी का स्थान क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भाषा हम सभी को व्यवस्थित करती है, किस चीज के लिए व्यवस्थित करती है, जल्दी लगाइएगा। खेल क्रिया में, सामाजिक क्रिया में, मन बुद्धिता में, विचार प्रक्रिया में, भाषा के माध्यम से क्या होता है, जल्दी बताइए। भाषा हम सभी को व्यवस्थित करती है किस चीज में, किस चीज में व्यवस्थित करती है, भाषा हम सभी को व्यवस्थित करती है किस चीज में व्यवस्थित करती है, देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विचार प्रक्रिया में। भाषा के माध्यम से, आप देखिए इसका बी क्यों नहीं होगा, आपके सामाजिक व्यवहार में क्यों नहीं होगा, सी डी क्यों होगा, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम विचार करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम सभी को व्यवस्थित करती है किस चीज में, हम चीज को विचार प्रक्रिया में व्यवस्थित करती है, हम लोग भाषा के माध्यम से विचार कर पाते हैं, ठीक ना, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चे, हिंदी भाषा कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, काफी उछल कूद मचाते हैं, ऐसा है क्या, सभी बच्चे लिखते हैं हिंदी भाषा कक्षा में, सभी बच्चे लिखते हैं, हाँ लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, एकदम लिखते हैं, सभी बच्चे श्रवण तथा मनन करते हैं, यहाँ पे मनन कहने का मतलब होता है, ओह सॉरी थोड़ा मैं चेंज कर लूँ, मनन कहने का मतलब होता है मन में सोचना, मन में सोचना, मनन करते हैं। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, बिल्कुल सही, सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं, हिंदी भाषा कक्षा में क्या होते हैं, आप क्या मानिएगा, हिंदी भाषा कक्षा में, जल्दी लगाइए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, सभी बच्चे लिखते हैं, सिर्फ लिखते थोड़े हिंदी को, हिंदी भाषा कक्षा में सिर्फ न तो सिर्फ लिखते हैं, न सिर्फ सुनते हैं, न सिर्फ सोचते हैं, एक ही भाषा के तो नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे भारत में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, भाषा विविधता पाई जाती है ना, भाषा विविधता, यानी हमारे भारत में एक से अधिक भाषा जानने वाले छात्र हमारी कक्षा में मौजूद है, बहुभाषिक कक्षा होती है हमारी, ठीक ना, तो सभी बच्चे समान रूप से भाषा सीखते हैं हिंदी भाषा कक्षा में। अगला देखिएगा, 47 नंबर है, 147, भाषा सीखने में जब तक अधिक सरलता होती है, कब होती है, बच्चों को क्रीड़ा द्वारा अध्यापन कराया जाता है तब अधिक सरलता होती है, बच्चों को निगमन विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है तब अच्छी सरलता होती है, सरलता मतलब आसानी, बच्चों को सरल भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाता है तब सरलता होती है, अब बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करवाया जाता है तब सरलता होती है, कब बच्चा सीखने में सरल होता है, देखिएगा आंसर लगाइए। मित्रों, दोस्तों, साथियों, माता बहनों, जो भी है हमारे, वो जान लीजिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना,
किसी भी चीज को जब हम प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं ना, जब प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करते हैं तो प्रत्यक्ष अध्ययन आसान होता है, आसान। और आसान चीज को ही तो हम लोग सरल कहते हैं, ठीक ना। अब कहेगा सरल भाषा का प्रवेश उपलब्ध कराया जाता है बच्चों को, सरल भाषा का प्रवेश, भाषा सीखने में सरलता होगी। देखिए सरल भाषा की प्रवेश सही है, यहाँ सरल की जगह पर यदि समृद्ध होता तो इसका यही जवाब लिया जाता, समृद्ध। समृद्ध कहने का मतलब है संपन्न। जब बच्चे को पूरी तरह भरा पूरा संपन्न भाषा का परिवार दिया जाता है तब बच्चा सीखता है। इससे ज्यादा बेहतर है कि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से जब अध्ययन करवाया जाएगा तब बच्चा ज्यादा रूप अच्छा बेहतर सीखेगा। अगला देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन यह कह रहा है। सॉरी, कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, मित्रों दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148 है। देखिए, सभी कहानियों द्वारा हिंदी भाषा का परिचय करवाना, कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित करवाना, कहानी को रंगीन चार्ट पोस्टर द्वारा समझाना, पाठ्य चर्चा की सहगामी क्रिया करवाना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग कर लेते हैं मित्रों दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ये होगा कि कहानी लेखन के, देखिएगा कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना है ना, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं करवाना नहीं, कहानी शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं होता है। अब भाषा का परिचय करवाना नहीं, सभी कहानियों द्वारा हिंदी भाषा का परिचय करवाना नहीं, कहानी लेखन की विभिन्न शैली, कहानी कितनी शैली से लिखी जाती है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है, किस तरह का है, कहानी किस तरह की लिखी जाती है, विभिन्न शैलियों के बारे में बताना। इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि कहानी कहने का ही हमारा उद्देश्य होता है, या कहानी पढ़ाने का ही, कहानी शिक्षण का ही उद्देश्य होता है कि विभिन्न शैलियां पढ़ाएं हम कहानी का, है ना, कहानी की विभिन्न शैलियां। जैसे कहानी की शैलियां, एकांकी भी कहानी का ही भाग होता है, नाटक भी कहानी का ही भाग होता है ना, एक सब कहानी की विभिन्न शैलियां, रंगीन चार्ट पोस्टर द्वारा समझाना, है ना। ये कहानी शिक्षण का हमारा उद्देश्य नहीं है कि रंगीन चार्ट पोस्टर दिखाएंगे या पाठ सहगामी क्रियाएं करवाना, विभिन्न शैलियां बताना यहाँ पर। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 149 है और इसका राइट आंसर आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे मित्रों। चलिए क्वेश्चन 49, हिंदी भाषा को सरलता से अध्ययन करने की विधि है, हिंदी भाषा को सरलता से अध्ययन करने की विधि कौन सी है, इसमें से कौन सी विधि में हिंदी भाषा को हम लोग इजीली जान लेंगे एकदम इजीली। देखिएगा, पहला है सूत्र विधि, दूसरा है पाठ्य सहचर क्रियाएं, आगमन विधि और प्रत्यक्ष विधि। हिंदी भाषा को सरलता से अध्ययन करने की विधि कौन सी है, कौन सी विधि में हम लोग हिंदी भाषा को सरलता से अध्ययन कर सकते हैं, राइट आंसर लगाइएगा इसका, जल्दी से इसका राइट आंसर लगाएंगे। हिंदी भाषा